कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे जिसमें आज के दिन प्लास्टिक बाजार के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक बाजार में स्क्रैप के साथ साथ फ्रेश की कीमतों के बारे में देखेंगे, किस तरह का कारोबार और ट्रेंड आज बाजारों में प्लास्टिक बाजार में देखा जा रहा है, किस तरह की कीमतें बाजारों में आज चल रही है। मगर से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो प्लास्टिक बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो क्रूड ऑयल में लगभग 13-14% तक की गिरावट देखी गई है और साथ ही जो अभी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर के इस्तेमाल पर बैन लगाया था बाजारों में, उसकी वजह से बाजारों में जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और दोहरी मार बाजारों को झेलनी पड़ रही है और आज भी गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो फ्रेश में एचडीपी राफिया की कीमतें दिल्ली में 125 रुपए हो गई हैं, अहमदाबाद का रेट 127 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। कानपुर में एचडीपी राफिया में जो प्लास्टिक बाजार में कीमतें हैं वो 120 रुपए हैं। मुंबई के बारे में बात करते हैं, 125 रुपए मुंबई का रेट देखा जा रहा है। पीपी फिल्म की जो कीमतें हैं वो जान लेते हैं। दिल्ली में पीपी फिल्म की कीमतों में गिरावट आने के बाद इसका रेट 114 रुपए हो गया है। अहमदाबाद की कीमतें आप 118 रुपए देखकर चल सकते हैं। कानपुर के बारे में अगर बात करी जाए, कानपुर में पीपी फिल्म की कीमतें बाजारों में 116 रुपए हैं, मुंबई की कीमतें 113 रुपए चल रही हैं और कोलकाता का रेट बाजारों में 132 रुपए चल रहा है। एलडीपी फिल्म की कीमतों में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया है। दिल्ली में एलडीपी फिल्म रेट बाजारों में 133 रुपए है, अहमदाबाद का रेट 134 रुपए चल रहा है। कानपुर में जो एलडीपी फिल्म रेट बाजारों में है वो 135 रुपए देखा गया है। मुंबई के बारे में बात करते हैं, 130 रुपए एलडीपी फिल्म रेट मुंबई में चल रहा है। कोलकाता की कीमतें 157 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। इसके बाद अगर बॉर्डर स्क्रैप के बारे में बात करी जाए तो बाजारों में जबरदस्त तरह की गिरावट स्क्रैप में देखी गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बॉर्डर स्क्रैप का रेट 43 रुपए चल रहा है, पंजाब की कीमतें 42 रुपए हो गई हैं, गुजरात की कीमतें भी 40 रुपए देखी गई हैं, तेलंगाना का रेट 40 रुपए से काफी नीचे आकर 36 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। जयपुर में जो बॉर्डर स्क्रैप की कीमतें हैं वो इस वक्त 41 रुपए देखी जा रही हैं। कोलकाता में पर बॉर्डर स्क्रैप की कीमतें आप बाजारों में 39 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा पीवीसी स्क्रैप पाइप की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। तो पाइप स्क्रैप मिक्स की जो कीमतें चल रही हैं बाजारों में वो 62 रुपए चल रही हैं, पाइप स्क्रैप प्लेन की कीमतें आप 70 रुपए देखकर चल सकते हैं। अंत में बात करते हैं प्लास्टिक बाजार में पीपी स्क्रैप इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। तो पीपी स्क्रैप नॉर्मल की जो कीमतें चल रही हैं बाजारों में वो 63 रुपए देखी गई हैं, पीपी स्क्रैप सिंगल कलर की कीमतें आप बाजारों में 45 रुपए देखकर चल सकते हैं और स्क्रैप मिक्स की कीमतें बाजारों में 35 रुपए देखी जा रही हैं। तो बाजारों में जबरदस्त तरह से गिरावट देखी जा रही है, क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखी गई है और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगने के बाद में स्क्रैप बाजार में प्लास्टिक में जबरदस्त तरह की गिरावट बनी हुई है। आने वाले समय में क्रूड ऑयल में अगर और भी गिरावट देखी जाती है तो आपको प्लास्टिक बाजार में यहां से कीमतों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में ट्रेंड इस वक्त बेहद निगेटिव नजर आ रहा है और बाजारों का आउटलुक इस वक्त बेहद अनस्टेबल है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।